हाँ जी बेटा, अब हमने हाइपरबोला आज करना है, और हाइपरबोला के लिए हमने आगे भी किया हुआ है दो टाइप्स के हाइपरबोला, एक सिंपल हाइपरबोला और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ओके, तो हाइपरबोला की इक्वेशन हमने जो याद की हुई है, जो सिंपल हाइपरबोला होता है वो एक्स स्केयर बाय ए स्केयर माइनस वाई स्केयर बाय बी स्केयर इक्वल्स टू वन होता है। ओके, और जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है हम नेगेटिव देखते हैं, यहाँ ए भी ए बड़ा है कि बी बड़ा है हम कुछ नहीं देखते हैं, हम देखते हैं किसके साथ है, यहाँ नेगेटिव वाई के साथ है, तो ये सिंपल हाइपरबोला है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में बेटा नेगेटिव एक्स के साथ होता है। ओके, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया बेटा। अब मेरे पास जो है फिर वही, आपको ये पता है मैंने आपको बताया था कि अगर हम एप्पल को पिन करके और इधर से काटे दोनों तरफ से, कि ऊपर वाला पैराबोला नीचे वाला पैराबोला दोनों बने जस्ट लाइक मेरे पास, कि जैसे डमरू को हम काटते हैं तो वैसा कटे, तो उसे हम जो है अपना हाइपरबोला कहते हैं। और मैं आपको एक बार इसकी जो है फिगर भी बना के दिखा देती हूँ कि देखिए लाइक दिस, मेरे पास जो है ये देखिए ऐसे, ये सिमेट्रिकल होता है, डायरेक्ट्रिक्स की दो इक्वेशंस होती है, एक इधर एक इधर, फोकस एक इधर होता है एक इधर होता है, और ऑब्वियस लेटस रेक्टम ये भी होगा ये भी होगा, ये मेरा हाइपरबोला बन, ठीक है, ये यहाँ पर एक्स 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 डैश, दिस इज वाई वाई डैश, ये भी डायरेक्ट्रिक्स ये भी डायरेक्ट्रिक्स। ओके, क्लियर बेटा। अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स लर्न करें कि हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से। सबसे पहले सेंटर, सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे ये सेंटर है, तो सेंटर जो है सिंपल कॉन्जुगेट का 0 0। ओके, नेक्स्ट मेरे पास हो गए सेंटर ऑफ द वर्टेक्स, मेरे पास जो है दैट इज दिस वन और दिस वन मेरे पास है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या होंगे, सेम जो कल हमने इलिप्स में किए, प्लस माइनस ए कॉमा 0, उसमें भी यही किए, और इधर क्या किया था मेरे पास जो है 0 कॉमा प्लस माइनस, मैंने आपको करवाया था बस, इधर जो है ए है तो उधर बी होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है बी, बुक में वो क्या करते हैं वो एक बी को इधर ए को इधर लिख देते हैं, तो इसीलिए वो प्लस माइनस ए लिख देते हैं, तो मुझे लगता है वो कंफ्यूजन होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसे मर्जी लर्न करो, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो है फोकस के कोऑर्डिनेट हमने किए थे प्लस माइनस, बिल्कुल यही किए थे ना, और इधर 0 कॉमा प्लस माइनस बी, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने में उनका फॉर्मूला जो है वहां माइनस होता है यहाँ बीच में प्लस आता है, ये बस यही डिफरेंस। ओके, उसके बाद लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ ट्रांसवर्स का मतलब मेजर एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर 2a यहाँ पर 2b, माइनर का यहाँ 2b यहाँ 2a, अपने आप इंटरचेंज हो जाता है। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बिल्कुल सेम, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय ई। ओके बेटा, क्लियर। अब असेंट्रिसिटी क्या करेंगे, यहाँ पर असेंट्रिसिटी में हमारे पास जो है क्या फॉर्मूला बनता है, देखिए मेरे पास हो गया यहाँ पर असेंट्रिसिटी अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाय ए स्केयर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट में, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाय बी स्केयर, कई बच्चे बी स्केयर प्लस ए स्केयर लिख देते, एक ही बात है, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाय a, उधर 2a² बाय b। ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो है मेरे पास एक्स एक्सिस होगी ना, एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0, उधर एक्स इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0, उधर वाई इज इक्वल टू 0, बस काम खत्म, समझ आई सबको।
कोई नई चीज तो आज की नहीं ना, सिर्फ असेंट्रिसिटी का फॉर्मूला था, बाकी तो वही। यहां पर कॉन्जुगेट वाले की शेप कैसी हो जाएगी, ऐसे बस रहना, तो ये क्रॉस इस पे आना है ओरिजिन। ओके जी, बनना तो वैसे ही क्लियर बेटा। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है, लेट अस डू वन क्वेश्चन। अब आज आप फाइंड आउट करोगे, मैं कुछ फाइंड आउट नहीं करूंगी क्योंकि कल मैंने सब कुछ फाइंड आउट करके बताया। ओके तो लेट अस फाइंड आउट। मेरे पास पहली इक्वेशन है 16x² ओके माइनस 9y² इक्वल टू 144। ओके, और सेकंड सम जो है हमें शिफ्टिंग द ओरिजिन वाला, 9x² माइनस 16y² माइनस 18x प्लस 32y माइनस 151 इक्वल टू 0। इट रिप्रेजेंट हाइपरबोला। ठीक है, शो करना है और उसके बाद जो है इसका सब कुछ कैलकुलेट करो, एवरीथिंग, फोकस, वर्टेक्स, सेंटर, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, असेंट्रिसिटी, एवरीथिंग। चलिए जल्दी हरी अप, मैं रब करने लगी हूँ ये सारे फॉर्मूले। जल्दी जल्दी, सबसे पहला स्टेप हमने फर्स्ट इक्वेशन में ढूंढना है। ओके, 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 144, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म टू गेट वन ऑन द राइट हैंड साइड एंड चेक। मेरे पास हो गए, ये कैसी बन गई, मेरे पास हो गए, कटिंग करूंगी तो 9x² / 9 माइनस ये 16 हो जाएगा और इक्वल टू 1। यहां पर x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1। ए इज 3, बी इज 4। ओके जी, डन। इतना सबने कर लिया। विच टाइप ऑफ हाइपरबोला इट इज, कौन बताए जल्दी। हाँ जी, कैसा हाइपर बोला? यस यस समृद्धि, यस बेटा। हाँ मैम, हॉरिजॉन्टल जी, हाइपर बोला। ओके, हॉरिजॉन्टल जिसको हम नॉर्मल हाइपर बोला कहते हैं। ओके ठीक है, गुड। तो यहां पर निकालिए सबसे पहले सेंट्रिसिटी, जल्दी बी फास्ट, कैलकुलेट द असेंट्रिसिटी पहला काम होता है। अच्छा, ये चीज याद रखनी है, असेंट्रिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन इन हाइपरबोला। पैराबोला में इक्वल्स टू वन, इलिप्स में लेस देन वन एंड हाइपरबोला में ग्रेटर देन वन। ठीक है जी, यस रिद्धि, यस बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ असेंट्रिसिटी? मैम 5/3। बिल्कुल करेक्ट है, इट इज 5/3। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट कीजिए, सेंटर, यस देवांशी, विरती, ट्राई टू पार्टिसिपेट बेटा, विरती, नवकिरत, यस काव्या, व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस मैम 0,0। एंड वर्टेक्स? वर्टेक्स प्लस माइनस 1,0, दैट इज प्लस माइनस 3,0। वेरी गुड वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, यस दिव्यांशी, दिव्यांशी फोकस, दिव्यांशी फोकस, मैम प्लस माइनस 5,0। फोकस की कोऑर्डिनेट प्लस 5,0, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, साथ ही बेटा म्यूट कर लिया करो अपने आप को, आंसर देखिए, समटाइम्स जो है आपके घर की आवाज यहां तक आती है। ओके हाँ जी बेटा, मैंने आगे भी आपको ये बात बताई हुई है
कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट ऑल्टरनेटिव साइन में है ना, तो 100% वो हाइपरबोला होगा, क्योंकि एलिप्स में कोन सर्कल में है ना, सर्कल में कोफिशिएंट 1-1 होते हैं या सेम होते हैं, एलिप्स में कोफिशिएंट सेम होते हैं डिफरेंट होते हैं, बट साइन हम कहते हैं दोनों का सेम होता है, तो रह क्या गया हाइपरबोला। हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट होते डिफरेंट है, साइन भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो देखते ही मुझे पता चल गया कि 9x² - 16y² है, इनके साइन डिफरेंट डिफरेंट है, तो जी दैट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा कि हाइपरबोला ही बनेगा। तो पहले बनाते हैं, फिर ही शिफ्टिंग वाला करेंगे काम। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली टर्म, वाई स्क्वायर के साथ वाई वाली टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म, उधर लेके जाना उधर चले जाना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड, जतिन बता सकते हो, जतिन, काव्या 26, काव्या 26, मन्नत, मन्नत बता सकते हो क्या करेंगे मन्नत हम, कांस्टेंट से डिवाइड। हाँ जी क्या करेंगे मैम, डिवाइड करेंगे कांस्टेंट से शायद। नहीं बेटा, हमने कल भी ये मन्नत किया था, क्या कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 1 बनाते हैं सबसे पहले, हमने ये कल डिस्कशन की थी। तो उसके लिए मैंने 9 कॉमन, क्योंकि मुझे कंप्लीट स्केयरिंग मेथड करना है, और कंप्लीट स्केयरिंग के लिए मन्नत हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, मैंने कर लिया, यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो 32y आया, 1 तो बिल्कुल एंड में बनाना, ठीक है। अब हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मैंने ध्यान से देखना बेटा, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर 1 है ना, का स्क्वायर इधर ऐड किया और इधर कितना बना 16 है ना, तो 16 का स्क्वायर इधर ऐड किया, बेसिकली अब मैंने ऐड क्या किया, देखिए ध्यान से, 9 बाहर था तो 9 1 का 9, ओ सॉरी यहां पर देखना मैंने 16 कॉमन लिया तो 2 आएगा, ध्यान से देखिए बेटा ना, 2 का स्केयर वो भी 1, ओके मैंने 16 कॉमन ले लिया था ना, बट यहाँ पे 2 बचे और 2 का हाफ 1, तो 1 का स्केयर, तो देखा जाए तो यहाँ मैंने कितना सब्ट्रैक्ट किया -16, तो दूसरी तरफ भी मैं -16 लिखूंगी और इधर 9 ऐड किया तो दूसरी तरफ भी मैं 9 ऐड करूंगी। ये सिर्फ कंप्लीट स्केयरिंग करने के लिए है ना, उसका बेनिफिट क्या होगा आगे देखो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर -16, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर मेरे पास कितना बचा, ये बचा मेरे पास -7, जब मैंने -7 किया तो 1 चला गया, 6 रह गया, 144 ये बचा, ओके। अब मैं करूंगी 144 से मन्नत डिवाइड, जब मैं उधर कॉन्स्टेंट 1 बनाने के लिए 9y - x/144 - 16y - 1² / 144 = 1, पता चला मन्नत, ठीक है इसमें, हाँ ध्यान से बेटा देखा करो। चलिए तो अब हम ये कटिंग करेंगे तो ये 16 आया, x माइनस 1 का स्केयर बाय 16, यहाँ पर y माइनस 1 का स्केयर और इधर आएगा 9, दैट इज इक्वल टू, ओके। तो ये कैसी फॉर्म होगी, x स्केयर बाय 16 माइनस y स्केयर बाय 9, दैट इज इक्वल टू 1, ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को बेटा, ठीक है। तो अब
हमारे पास शिफ्टिंग होगी। अब ये कैसा हाइपरबोला है? नेक्स्ट मन्नत से नेक्स्ट। बस रिद्धि समृद्धि दिव्यांशी, बस ये तीन ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, ओनली थ्री वन है ना, बाकी तो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लिया हुआ। ठीक है वृत्ति, अनम्यूट योरसेल्फ वृत्ति। वृत्ति बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हिमांशु दी, हिमांशु दी, हिमांशु। यस मैम। हाँ जी बेटा बताइए कैसा हाइपरबोला है, व्हाट टाइप ऑफ हाइपरबोला इज इट? सिंपल हाइपरबोला या मेरे पास जो है ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जल्दी बताइए। इतनी देर लगनी नहीं चाहिए हिमांशु, इसका मतलब सुन नहीं रहे हो आप? नहीं सुन रहे। चलो मन्नत से पूछते हैं, मन्नत ने हैंड रेज किया हुआ। यस मन्नत। मैम सिंपल नॉर्मल हाइपरबोला। बिल्कुल स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है। ओके तो वहां से हमें ये डिटेक्ट हो गया कि ये सिंपल हाइपरबोला है क्योंकि ये इस शेप में आ गया। अब हमने क्या करना है, सब कुछ पुराने के अकॉर्डिंगली निकालना है। ठीक है ना, तो अब ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए, लेट अस रब इट। ओके आई डोंट नीड एनीथिंग, बस मुझे क्या चाहिए, एक कैपिटल एक्स एक्स माइनस वन और कैपिटल वाई वाई माइनस वन और मेरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय फोर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ओके जी चलो समृद्धि ने कुछ बताना है तो लेट अस डिस्कस। चलिए समृद्धि से पूछते हैं। हाँ जी समृद्धि बेटा बोलिए। हम इसकी एसेंट्रिसिटी 5/4 है। ओके एसेंट्रिसिटी 5/4 बिल्कुल करेक्ट। हम निकाल के दिखा देते हैं फॉर्मूला एसेंट्रिसिटी का, बताओगे मुझे? मैम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट, जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, पुट ऑल द वैल्यूज दैट इज 16 प्लस 9 बाय 16 तो दैट इज 25 उसका 5 और ये कोई न्यू और ओल्ड से चेंज नहीं होती है, असेंट्रिसिटी असेंट्रिसिटी ही रहती है। वेरी गुड चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास हो गए। सबसे पहले निकाले सेंटर। यस हिमांशु, हिमांशु सेंटर बताइए बेटा। 0.0 दैट इज अकॉर्डिंग टू ओल्ड सॉरी न्यू एक्सिस है ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सिस क्योंकि होते ही 0.0 है, बट ये कैपिटल एक्स 0 है, ये कैपिटल वाई 0 है। ठीक है और मेरे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू मैंने देखा एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, वाई माइनस वन इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, तो मेरा सेंटर बन गया 1.1। ओके बेटा गुड हिमांशु बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी और कौन बताएगा, बाकी भी पार्टिसिपेट किया करो बेटा जल्दी जल्दी, बाकी सबके भी हैंड रेज होने चाहिए। चलो काव्या। यस बेटा 25 रोल नंबर काव्या। इसकी वर्टेक्स वर्टेसेस 4.0 जो है वर्टेक्स जो है हमारे पास वैसे फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, तो ए की वैल्यू 4 आई तो बिल्कुल आपने कहा प्लस माइनस 4.0 यानी मेरे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 और कैपिटल वाई की वैल्यू 0। अब मैं इधर आऊंगी तो कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 प्लस 1। अब यानी x की वैल्यू अगर मैं प्लस लेती हूँ तो 5, माइनस लेती हूँ तो माइनस 3,
इसका मतलब मेरे पास बनेंगे 5.1 और -3.1। ओके चलिए नेक्स्ट। यस हिमांशु, इक्वेशन ऑफ डायरेक्शन होगी मैम +-1/5। प्लस माइनस 1/5 आंसर आएगा। नो, फॉर्मूला हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e। हाँ, तो प्लस माइनस a बाय e लगाया तो मेरे पास वो 16/5 बन गए। ओ सॉरी मैम, 16/5 है ना, तो प्लस माइनस 16/5 और जो 1 उधर माइनस था, अगर न्यू ओल्ड के अकॉर्डिंग नहीं निकालेंगे तो प्लस 1 होगा। तो करो x की वैल्यू 21/5 और x इज इक्वल टू -11/5। चेक कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है, क्लियर, सबको समझ आ गया बेटा? ठीक है, और कुछ रह गया? वर्टेक्स हो गए, फोकस कैलकुलेट कीजिए, फोकस। चलिए समृद्धि, चलो रिद्धि से पूछते हैं। यस रिद्धि, फोकस मैम, इसके फोकस जो है वो प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो होते, तो फिर न्यू वर्टेक्स, न्यू फोकस जो है वो प्लस माइनस 5.0 हो जाएगा, और ओल्ड जो है उसकी हम निकालेंगे वैल्यू, दो वैल्यूज आएंगी, एक 6.1 और -4.1। बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट जो है, हमारे पास यही आंसर आएगा। ओके बेटा, बिल्कुल करेक्ट बोला, आई थिंक ऑल द वैल्यूज वी हैव डन। आप लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकाल सकते हो 2a, वो 8 आएगी, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस निकाल सकते हो वो 2b, वो 6 आएगी। ठीक है, दैट आर वेरी इजी टू कैलकुलेट, लेंथ कभी चेंज नहीं होती, चाहे न्यू के अकॉर्डिंगली कर लो चाहे ओल्ड के अकॉर्डिंगली कर लो। ओके क्लियर बेटा, ठीक है, सबको समझ आ गया? चलो और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस किए जिसमें इक्वेशंस दी थी, हमने उनके बारे में निकाला, फोकस कैलकुलेट किया या कुछ निकाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू हियर, अब हमें कुछ नॉलेज दी होगी, हम इक्वेशंस बनाएंगे। लेट अस फाइंड द इक्वेशन, चलिए लिखे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला जो है रेफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब हम यहाँ शिफ्टिंग वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही सिंपल अपना, वो मतलब ये ऐसा हाइपरबोला होगा जिसका सेंटर ओरिजिन ही होगा। ओके तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स, वर्टेसेस एट +-5.0 एंड फोकस जो है +-7.0। इसको देखते ही मुझे पता चल गया कैसा हाइपरबोला, बता सकता है कोई? बस वही दो बच्चे जिन्होंने आंसर देने, तीन, वही चार बच्चे, बाकी बच्चे, चलो अर्शदीप, दैट्स गुड। यस अर्शदीप मैम, सिंपल पैराबोला, सिंपल पैराबोला, हाइपरबोला, 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 सिंपल हाइपरबोला मींस कॉन्जुगेट नहीं है, नॉर्मल हाइपरबोला जिसको हम ट्रांसवर्स हाइपरबोला भी कई बार कह देते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। हमें वहां से अब क्या क्या पता चला, सबसे बड़ी बात है मुझे पता है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं +-a.0, तो a की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, और फोकस होती है a e, वो 7 आ गया, a की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास e आ गया 7/5, और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है a² + b² / e² = 7/5, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड तो मेरे पास होंगे a² + b² / e² = 49/25, a की वैल्यू 5 पुट कीजिए, 25 + b² / 25, 49/25 कैंसिल इट, b² = 49 by
-25 4 24 चेक कर लेना कैलकुलेशंस, कोई गलती ना हो जाए. ओके जस्ट चेक इट, बी स्क्वायर की वैल्यू 24 आई, ठीक है ना. बस काम हो गया हमारा, हमने हाइपरबोला लिखना हमें पता है. हाइपरबोला में ए और बी ही चाहिए था. एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैल्यू पुट करो, हाइपरबोला की इक्वेशन है और कुछ भी नहीं है कॉनिक्स में, यही ये चीज है. ओके बेटा क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा किसी को. ऐसे ही हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं जो हम इजीली जो है इवैल्यूएट कर सकते हैं, इजीली हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, कोई डाउट आपका तो यू कैन आस्क मी. सर्कल रह गया, मंडे वी विल डू सर. ठीक है.